फर्स्ट एडवांस टीचर। मैं तो बस यूं ही मजाक कर रहा था, वो तो बस ऐसे ही यहाँ आया था, मैंने तो बस यूं ही पूछ लिया था। गैज, इस प्रकार के छोटे छोटे वाक्य को हम हिंदी में तो बड़ी आसानी से बोल लेते हैं, बट इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? इस प्रकार के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहने से पहले आपको पहले ये जानना पड़ेगा बस ऐसे ही या फिर बस यूं ही इसके लिए इंग्लिश में क्या यूज़ होती है। इसके लिए इंग्लिश में फ्रेज यूज होती है जस्ट कैजुअली, जस्ट कैजुअली। चलिए कुछ एग्जांपल के मदद से इसे और भी बेहतर समझते हैं। मैं तो बस यूं ही मजाक कर रहा था, आई वॉज जस्ट किडिंग कैजुअली, आई वॉज जस्ट किडिंग कैजुअली। वो तो बस ऐसे ही यहाँ आया था, ही केम हियर जस्ट कैजुअली, ही केम हियर जस्ट कैजुअली। मैंने बस यूं ही पूछ लिया था, आई जस्ट एक्ट कैजुअली, आई जस्ट एक्ट कैजुअली। सेकेंड एडवांस स्ट्रक्चर। फिल्म का वो सीन इतना डरावना था कि हम सबके रोंगटे खड़े हो गए, वो इतना डरावना था कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। सो गाइज, इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? जहाँ पर हम फ्रेज यूज करते हैं रोंगटे खड़े हो जाना, रोंगटे खड़े हो जाना, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं गेट गूज़बम्प्स, गेट गूज़बम्प्स। चलिए कुछ सेंटेंस के मदद से इसके यूज को समझ लेते हैं। फिल्म का वो सीन इतना डरावना था कि हम सबके रोंगटे खड़े हो गए। दैट सीन इन द फिल्म वॉज सो स्कैरी दैट वी ऑल गट गूज़बम्प्स, दैट सीन इन द फिल्म वॉज सो स्कैरी दैट वी ऑल गट गूज़बम्प्स। वो इतना डरावना था कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ही वॉज सो स्कैरी दैट आई गट गूज़बम्प्स, ही वॉज सो स्कैरी दैट आई गट गूज़बम्प्स।